नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन लेकर गया हूँ। ये डिजाइन हमने टॉप का बनाया है और व्हाइट फैब्रिक में से बनाया है। इसमें कपड़े की बात करें तो कपड़ा हमारा यहाँ पे लगा है डेढ़ मीटर, और जो हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है ये है ग्लेश कॉटन। एक शाइनिंग वाली ग्लेश कॉटन होती है, एक डल वाली होती है, तो ये हल्की शाइनिंग वाली है और बहुत ही प्यारा सा ये फैब्रिक है। बैक साइड में हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है और इस तरीके से पट्टी लगाई हुई है इस तरीके से, और इसकी फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे ये राउंड नेक भी बनाया हुआ है पट्टी वाला ही। और बाजू की बात करें तो बाजू पे भी हमने यहाँ पे प्लेटें डालते हुए इस तरीके से बहुत प्यारी सी ये डिजाइनिंग बनाई हुई है। और यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे ये चुन्नटें डली हुई है, ऐसे चुन्नट डलने के बाद इसके ऊपर हमने ऐसे लटकन वाली लेस लगाई हुई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो दोस्तों इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैंने यहाँ पे आपको दिखानी है, तो आइए शुरू करते हैं। इसकी पहले कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग सीखेंगे। तो दोस्तों जो आपने टॉप देखी है उसका डिजाइन बनाने के लिए ये हमने मटेरियल लिया हुआ है। यहाँ पे ये लेस होगी और ये बाजू की और नेकलाइन की लेस होगी, और ये हमने नाप नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम नाप ही जान लेते हैं। जो लेंथ रखेंगे 23 तैयार रखेंगे, जो छाती का नाप होगा ब्रेस्ट का वो 20 होगा तैयार, तीरा होगा हमारा 14.5, बाजू होगी हमारी 18.5, और जो बाजू का ऊपर का एरिया होता है ये वाला ये 10.5 इंच का होगा और नीचे का 8.5 इंच का होगा। और यहाँ पे चुन्नटी डलेंगी इस तरीके से बारीक सी, और आगे इसकी बाजू की सेप बहुत प्यारी सी आएगी। और इसकी डिजाइनिंग की बात तो आपने देखी है कैसी डिजाइनिंग है, और पूरी डिजाइनिंग किस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं पूरी टॉप में आपको बना करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, बैक साइड कटिंग करनी होगी। जैसे हम नॉर्मल में क्या करते हैं, फ्रंट कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें हमें बैक साइड कटिंग करनी होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कटिंग। दोस्तों कपड़ा हमने बिछा लिया है इस तरीके से, जो अर्ज होता है पूरा हमने डबल करते हुए यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। और जैसे मैंने बताया है हमें बैक साइड यहाँ पे कटिंग करनी है। इस तरीके से हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जो हमें लेंथ लेनी है यहाँ पे वो तैयार, यहाँ पे लेंथ रखनी है हमें 23 इंच 23 इंच, तो हम यहाँ पे 23.5 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे बारीक फोल्ड करना है तो 0.5 से 1.25 इंच या 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम सीधा इस तरीके से निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब फिर से हम ऊपर आएंगे यहाँ पे, और जो पहला निशान होगा हमारा यहाँ पे आर्मोल पे लगाएंगे। आर्मोल रखेंगे यहाँ पे 0.25 इंच, और यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। और जो साइज है हमारा यहाँ पे 20 इंच है तो 10 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमें घेर रखना है इसका, घेर थोड़ा ज्यादा रखना है तो यहाँ पे घेर रखेंगे हम 12.5 इंच। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की ये टॉप बनेगी हमारी ऐसी। अब शोल्डर है जैसे हमारे 14.5 इंच, तो हम यहाँ पे 15 से 15.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे भी हम यहाँ पे 15 पे, और फिर बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। बाहर वाले निशान को ऊपर वाले निशान से कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं, और यहाँ पे राउंड शेप डालेंगे, और आगे की साइड मार्जिन रखेंगे इस तरीके से, ये लूज करने के लिए होता है। निशान हमारे बैक साइड के लग गए हैं कंप्लीट। यहाँ पे हमें सिर्फ शोल्डर डाउन करना है, तो जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे नेक लाइन की हमें थोड़ी ज्यादा रखनी है, तो वो रखेंगे हम 7.5 इंच, तो 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। और यहां से मैं आपको बता दूं जो हमें शोल्डर डाउन करने हैं 1.25 इंच करने हैं 1.25 इंच, और इस तरीके से यहाँ पे हम निशान कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक साइड के कंप्लीट निशान हो जाते हैं। जैसे हम बैक साइड बढ़ा के कटिंग करते हैं 0.5 इंच, तो तरीका सेम होगा। यहाँ पे 0.5 इंच ऊपर की साइड बढ़ानी है, बाकी हम सेम रखते हुए यहाँ पे ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बैक वाला पार्ट हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, अब करना है हमें फ्रंट का पार्ट कटिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले कपड़ा बिछाया था तो उसी तरीके से दोबारा फिर से कपड़ा बिछाते हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा बिछा लिया है इस
इसके ऊपर रखेंगे हम यहाँ पे, ये जो हमने कटिंग किया है पार्ट, ये वाला सेम ऐसे ही मिलाते हुए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जो हमने यहाँ पे ऊपर की साइड ये निशान लगाया है, यहां से हमें एक लेंथ का निशान लगाना है 11.5 इंच पर, ऐसे यहाँ पे 11.5 पे लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को सीधा कर लेंगे 11.5 पे, ऐसे ये हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ये निशान हमें नीचे वाले फैब्रिक में लगाना है सीधा इस प्रकार से, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे सीधी, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट कटिंग करना है, तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम कटिंग कर लेंगे ऐसे ही, ये हमने सेम कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे इसको पल्ले को ऊपर की साइड ऐसे हटा देना है, और यहां से जो हमने बताया था 1/2 इंच, हमने ये फ्रंट छोटा कटिंग करना है, बैक बड़ी कटिंग करनी होती है, तो ये सेम ऐसे कर लेते हैं। अब ये हमारा आर्म होल का निशान आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से, और ये निशान लगा लेंगे हम सीधा ऐसे। और अब हम अंदर की साइड यहाँ पे इस साइड में एक निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे 0.25 इंच पर, और इस तरीके से जोड़ेंगे, और यहाँ पे अब देंगे हम गोलाई ऐसे, और इन निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे बैक साइड को हटा लेते हैं, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन 0.5 इंच का, और इससे यहाँ पे इसको इस तरीके से चढ़ा देंगे ऊपर। अब हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है, जो साइज का निशान लगाना है, इसमें डालेंगे हम चुन्नटे, इस पीस में चुन्नटे डालेंगे, तो इसको हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग करना होगा, तो इसको हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे 16 इंच कटिंग करेंगे 16 ऐसे, और लेंथ हम इससे लगा लेते हैं यहाँ पे फ्रंट के अकॉर्डिंग, ये जो हमने बैक साइड कटिंग की है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ हमारी यहाँ पे पूरी तैयार आनी चाहिए ऐसे, ये हम यहाँ पे कटिंग ही कर लेते हैं साथ ही। और ये जो हमने निशान लगाया है ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन कटिंग करते हुए ऐसे सीधा कटिंग कर लेना है। अब ये चीज हमारी यहाँ पे क्रॉस आएगी, और इसमें डालेंगे हम यहाँ पे चुन्नटे ऐसे, जब ये चुन्नटे डालेंगी तो इसकी से बहुत प्यारी सी आएगी फ्रंट की, और इसी के ऊपर हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चुन्नटे डाली हैं, तो ये सेम हमारी ऐसी ही आ जाएगी जैसे हमने यहाँ पे ये वाली कटिंग की है, सेम ऐसे ही आ जाएगी। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे हमें हल्की सी गोलाई डालनी होती है इस तरीके से, ये आप अभी भी डाल सकते हो, बाद में जब स्टिच करते हो तब भी यहाँ पे इसको डाल सकते हो, आपकी इच्छा होती है। तो दोस्तों लेस बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो लेस लगेगी ये हमारी, ये कुछ इस तरीके से आने वाली है, यहाँ पे ऐसे आएगी एक लाइन, और फिर दूसरी लाइन यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ये हमारा लेस का डिजाइन होगा। तो आप देख ही रहे होंगे कितना प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन तैयार होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। अब हमें यहाँ पे नेक लाइन बाद में कटिंग करेंगे, और पहले बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे, और पहला निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, फिर सीधा करने के लिए कपड़े को, फिर दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 4 इंच पर, और तीसरा निशान जितना हमारी ऊपर की बाजू की लेंथ है 10.5 है तो हम 11.5 पे लगाएंगे। अब यहां से जो हमने आर्म होल रखना है वो रखना है 8 इंच, और यहां से रखेंगे हम 6 इंच, इस तरीके की शेप डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ी गहराई यहाँ पे ज्यादा दी है, वैसे 0.25 इंच की दी जाती है, लेकिन जो इस तरीके की टॉप हो इनमें आप
चार सवा चार साढ़े चार इंच तक भी गहराई देते हैं तो ठीक रहती है। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। यहां पे दो पल्ले नीचे छोड़ेंगे और दो पल्लों में इस तरीके से गहराई देंगे तो बाजू की ऊपर का हिस्सा हमारा कट चुका है। अब हम यहां पे भी इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे, और जितना हमारी लेंथ होती है बाजू की फुल, जैसे 18.5 है तो हम यहाँ पे 19.5 पे निशान लगाएंगे और सबसे पहले इस निशान को सीधा करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हल्की सी ऐसे डाउन करते हुए निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे ऐसे। अब जब हम यहाँ पे भी चुन्नटे डालेंगे तो ये भी हमारी सेम बहुत ही प्यारी सी सेब आएगी, तो इसमें भी हमें चुन्नटे डालनी है। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो जाती है कंप्लीट, और एक हो जाती है हमारी बैक साइड, और ये फ्रंट है, ये बैक साइड है। तो बैक साइड को हम अलग कर लेते हैं और बाजू को अलग कर लेते हैं। अब चाहिए हमें फ्रंट, तो फ्रंट की हम यहाँ पे नेक लाइन आपको कटिंग करके बताएंगे कैसे नेकलाइन कटिंग की जाती है। तो यहां पे जो दोस्तों ब्रॉड लेंथ रखेंगे 7.5 रखेंगे, 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। और यहां से डीप लेंथ रखेंगे हम 4 इंच, और यहां पे इस प्रकार की सिंपल सी राउंड शेप डालते हुए कटिंग करेंगे। तो ये हमने नेक लाइन यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब दोस्तों हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है डिजाइन को बनाने का तरीका। तो दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डालनी है हमें चुन्नटे, तो पहले चुन्नटे डालते हैं और फिर इस पीस को यहाँ पे अटैच करते हैं। देखो चुन्नटे यहाँ पे कितने डालने हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 4 से 5 इंच का फैब्रिक है जो कि हमें यहाँ पे कवर करना है, तो इसमें बारीक चुन्नटे डालेंगी और बारीकी ये अच्छी लगेंगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड में तकरीबन 2-2 इंच का यहाँ पे गैप रख देना है और यहाँ से हमें चुन्नटे डालनी स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये हम हाफ हिस्से में आ चुके हैं। हाफ हिस्से में आने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि हमने प्लेटें ज्यादा कम तो नहीं डाली, चुन्नट कम ज्यादा तो नहीं है, तो हम इस पीस को यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा यहाँ पे हाफ हिस्सा, बिल्कुल ये सही आ रहा है ऐसे। तो सेम इसी तरीके से हम इन प्लेटों को अब आगे बढ़ा लेंगे। चुन्नटे हमने कर लिए हैं कंप्लीट और ये है हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम सेंटर पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पे इस तरीके से ये जोड़ देंगे ऐसे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फ्रंट जोड़ लिया है। अब इसमें हम ऊपर से सिलाई लगा देते हैं। ऊपर से हमने यहाँ पे लगा ली है दोस्तों सिलाई,
अब हमें लगानी है यहाँ पे लेस, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे लेस को अटैच कर लेंगे। हल्का सा हम ऊपर की साइड लगा रहे हैं, यहाँ पे आप चाहें निशान लगा लें ऐसे हल्के हल्के। अब हमें एक लेस लगानी है ऊपर की साइड यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऊपर को जब हम लगाएंगे तो ये हमारी आपस में इस तरीके से आएगी ऊपर नीचे हल्की सी टच होते हुए। तो यहाँ पे भी हमें एक निशान लगा लेना है दोनों साइड में, क्योंकि फर्क नहीं आना चाहिए, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऊपर नीचे यहाँ पे डबल ये लेस लगा ली है। अब हम ऊपर की नेकलाइन तैयार करेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है नेकलाइन कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डीप कटिंग किया है तो वो देखते हैं कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, उसको कर लिया है डबल। डबल करने के बाद ये पट्टी आ जाती है यहाँ पे 9 इंच की, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये फ्रंट इस प्रकार। अब हम यहाँ पे गोलाई में जो फ्रंट है उसके साथ साथ ऐसे निशान लगा लेते हैं जो कि हमने नेकलाइन कटिंग की हुई है। ये हमारी नेकलाइन है, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं बिल्कुल बराबर बराबर। इन निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से आगे की साइड लेके जाते हैं ऐसे। इसके बाद हमें जितना भी यहाँ पे तैयार रखनी होती है पट्टी, जैसे हमने 1 इंच रखनी है तो हम यहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। तो ये है हमारी कंधी, ये हमें ध्यान रखना है, और इसके बाद हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा लेते हैं ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे इन निशानों को कर लेते हैं कंप्लीट। दोनों साइड में 1-1 पैर का मार्जिन रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इस साइड भी ध्यान रखना है हमें, फर्क ना आए बिल्कुल भी। ऐसे हमने यहाँ पे इसको काट लेना है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे नेकलाइन में हमारी ये बिल्कुल ठीक बैठेगा या फर्क तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज भी हमें जरूरी होती है। तो यहाँ पे हम नेकलाइन देखेंगे इस तरीके से, जैसे सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे हम ये 1-1 पैर दबाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, और जो बैक साइड है बैक साइड में यहाँ पे ये इस तरीके से घूम जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा इस तरीके का, हमारा यहाँ पे नेक तैयार होके निखर करके आएगा। अब हमें ये तैयार करना है, तैयार किस साइड से करते हैं, जो अंदर वाली गहराई वाली साइड है इसमें से, इस साइड से हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये इस तरीके से रख लिया है, नीचे की साइड कपड़ा है और ये ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाते हैं। अब हम
का जो कपड़ा होगा वो काट देंगे। और यहाँ पे गोलाई में लगाएंगे कट ऐसे। कट लगाने के बाद अब हमें इसको तैयार करना है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से चाहे तो सिलाई लगा लें, नहीं तो इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लें ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ये नेक सेट कर लिया है प्रेस से। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है बाहर की साइड किनारी पे। किनारी पे सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप बराबर में कटिंग करें और इंटरलॉक कर लें। अगर इंटरलॉक नहीं है तो आप ये वाला कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल बारीक फोल्ड कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसके बाद हमने यहाँ पे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है, तो हमारे अब यहाँ पे धागे नहीं निकलेंगे क्योंकि ये नीचे की साइड ये रहेगा तो ये अंदर आ जाएंगे जो धागे निकलने वाला पार्ट होता है। अब हमें ये बैक साइड लेनी है और ये हो जाता है हमारा फ्रंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंधे को ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से। ऐसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे हल्का सा बैक साइड को इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं, तो जैसे नॉर्मल किए जाते हैं वैसे हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों शोल्डर जैसे नॉर्मल तरीके से अटैच किए जाते हैं ऐसे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे बैक साइड का, यहाँ पे हमें एक कट लगाना है, तकरीबन ये 4 इंच का लगाएंगे। ये हमने कट लगा लिया है 4 इंच का। अब हमें यहाँ पे कॉलर ये जो है ये अटैच करना है, तो बैक साइड यहाँ पे फ्रंट का सेंटर पॉइंट होता है ये वाला और इसका सेंटर पॉइंट हम बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, दोनों सेंटर को ऐसे हम मिला लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो मार्जिन की बात करें तो एक पैर का मार्जिन लेना है, ज्यादा आपने मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना होता। तो ये चीज जो होगी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। तो दोस्तों एक साइड में मैंने यहाँ पे ये पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी साइड में भी सेम तरीका होता है, यहाँ पे थोड़ा फर्क था तो मैंने यहाँ पे ये खोल के दो टाके ठीक कर लिया है। क्योंकि अगर आपको डाउट लगता है कहीं सही नहीं आ रहा है
तो आप उसको सही कर लें। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए ये कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों साइड ये पट्टी अटैच कर ली है, तो आप देख ही रहे होंगे कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे हमारी ये पट्टी तैयार होकर के आई है। अब हमें यहाँ पे एक ऊपर से सिलाई लगानी है, तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे किनारी की एक सिलाई लगा लेंगे। इससे पूरा मार्जिन हमारा सेट हो जाएगा और धागे वगैरह भी कहीं पे नहीं निकलेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे अंदर की साइड भी हमारे धागे नहीं निकलेंगे, ये अंदर रहेंगे धागे क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी फिनिशिंग के साथ में ये तैयार की है। अब हमें ऊपर की साइड इस पट्टी के ऊपर लेस लगानी है। यहाँ पे हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे ऐसे और यहाँ पे एक सेंटर की सिलाई से ही इसको जोड़ देंगे। लेस लगा ली है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी लग रही है। अब आ जाता है हमारा बैक साइड का जो हमने कट डाला था यहाँ पे, ये तैयार करना। ये कैसे तैयार करते हैं इसका भी मैं आपको नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा। सबसे सिंपल, आपने 2 इंच चौड़ाई वाली एक पट्टी लेनी है इस तरीके से, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं और एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाते हैं यहाँ पे। फिर नोक पे आने के बाद हमारी सिलाई यहाँ पे नोक पे आनी चाहिए नीचे की साइड ऐसे। अब हम इस पट्टी को ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पे 2 टांके लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे घुमाते हुए हम सिलाई इस साइड में ले लेंगे और वापसी इस साइड में इसको सिलाई को उतार देंगे। एक्स्ट्रा जो ये पीस होता है ये काट देंगे। अब हमारा जो ये पट्टी है कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ पे ऐसे। इसको अब हमें तैयार करनी है, तो हम यहाँ पे इस साइड से ये ऐसे लेंगे, यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये कट लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे और ऐसे ही ये पूरी पट्टी मार्जिन अंदर लेते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ
यहाँ पे ऊपर से भी सेम तरीका ही अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सीधी पट्टी लगा ली है। अब ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे आएगी। ये आएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे आ जाएगी। और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे नीचे की साइड, हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे क्रॉस में। तो ये बैक साइड की पट्टी भी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पे हुक आई या बटन वगैरह कुछ भी आप लगा लोगे तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। तो दोस्तों नेक लाइन हो गई है हमारी यहाँ पे रेडी फ्रंट और बैक की। तो बैक साइड भी फिनिशिंग के साथ में रहेगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हुक आई लगा लें एक और ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो टॉप तकरीबन हमारी रेडी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मेन चीज क्या है, किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से नेक लाइन तैयार करते हैं और किस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है, यही होती है। बाकी अब हमारा जो काम इसमें रह जाता है स्लीव्स अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने जो स्लीव्स कटिंग की है यहाँ पे, ये इनका तरीका भी हमारा सेम होगा। यहाँ पे इसमें हम चुन्नटे डालेंगे और चुन्नट डालने के बाद यहाँ पे लगाएंगे ऊपर से लेस, ये लेस लग जाएगी और आगे से बारीक फोल्ड करेंगे और फिर इनको ज्वाइंट कर देंगे। तो अब नॉर्मल काम है इसमें, पूरा काम मैं आपको कंप्लीट करके और पूरी टॉप दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी हमारी ये टॉप डिजाइन तैयार हुआ है। तो दोस्तों हमने स्लीव्स भी यहाँ पे अटैच कर ली हैं और साइड भी ज्वाइंट कर ली है और नीचे से भी हमने बारीक फोल्ड कर दिया है यहाँ पे। तो हमारा पूरा डिजाइन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। पूरी मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है पूरी दिखाई है और नेकलाइन भी बनाना बताया है। इस तरीके की नेकलाइन बहुत ही आसान होती है, सिर्फ इनमें थोड़ा सा कटिंग का समझने की जरूरत होती है, फिर ये बनाने में बहुत आसान होती है। और इनकी फिटिंग भी बहुत प्यारी सी आती है नेकलाइन की, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी जब ये पहनी जाएगी। और कैसे हमने यहाँ पे डबल लेस लगाई है और बाजू में भी हमने यहाँ पे ये वाली लेस लगाई है जो कि नेकलाइन पे लगाई है, वही हमने बाजू में लगाई है और अपना यहाँ पे पूरा डिजाइन ये कम्प्लीट किया है। तो आप टॉप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी हमने पूरी डिजाइनर टॉप बनाई है। तो दोस्तों इसकी मैंने पूरी और कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है, फिर भी आपको कोई डाउट लगता हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।